नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। निरसा विधानसभा का एकमात्र डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन शनिवार की सुबह कालीमंडा में डॉक्टर अवंतिका ने फीता काटकर किया। इसके पूर्व डॉक्टर अवंतिका ने डायलिसिस सेंटर के इंचार्ज को ब्रह्मा कुमारी का किताब गिफ्ट किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अवंतिका ने कहा कि यह सेंटर इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। इसके लिए यहाँ के लोगों को डायलिसिस कराने के लिए 30-40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। वही नर्सिंग होम के संचालक ने कहा कि रोजाना 6 लोगों का डायलिसिस होगा, जरूरत पड़ी तो ज्यादा लोगों के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। ये बहुत ही अच्छा एक यूनिट का यहाँ पे आज उद्घाटन हुआ है, डायलिसिस यूनिट का। इससे हमारे जो यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के लोगों को उससे बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि किडनी से अफेक्टेड, किडनी की बीमारी बहुत अभी कॉमन हो गई है इस एरिया में और सब जगह ही, और डायलिसिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और अभी तक इस एरिया में कोई भी डायलिसिस यूनिट नहीं था, जिसके कारण यहाँ के लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था। लेकिन अभी डायलिसिस केंद्र यहाँ पर शुरुआत होने से लोगों को बहुत फ़ायदा होगा।